अब देखिए सबसे बड़ी खबर जो अजीत आगरकर को निकल के आई है पिछले 12 घंटे के अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, दैट इज उनकी सैलरी को लेके। जो सैलरी है, एनुअल सैलरी यहां पर मिलती है, अगर मैं बात करूं सी सिलेक्टर को या सिलेक्टर्स को, तो पहले मिलते थे 1 करोड़ रुपए सालाना, यहां पर 1 करोड़ रुपए मिलते थे। लेकिन जो अब खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि सालाना यहां पर 3 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं अजीत आगरकर को। खबरों के मुताबिक ये निकल के आ रहा है, सूत्रों के मुताबिक जो चीजें निकल के आ रही है वो ये बता रही हैं कि अजीत आगरकर की जो सैलरी होगी यहाँ पे वो होगी 3 करोड़ रुपए। और साथ ही साथ जो बाकी जो सिलेक्टर्स है, चाहे एसएस दास हो गए, चाहे एस श्रीधरन शरत हो गए, सुब्रत बैनर्जी हो गए, या फिर सलील अंकोला हो गए, इनकी भी जो सैलरी है वो पहले 90 लाख हुआ करती थी, इसमें भी आप बढ़ोतरी देख सकते हैं। यानी कि जो वेजेस है यहाँ पर, जो एनुअल वेजेस है यहाँ पे, जो एनुअल सैलरी है यहाँ पर सेक्टर्स की, उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। तो ये अभी तक की सबसे बड़ा डेवलपमेंट निकल के आया है पिछले 12 घंटे में, अगर मैं अजीत आगरकर के अपॉइंटमेंट के बाद के बारे में बात करूं।